सब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के नौजवानों एक कहो एक हो एक हो। दुनिया के नौजवानों एक कहो एक हो एक हो। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। अरे बेगू प्रशासन हाय 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 हाय। जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है जो देश के चौथे स्तंभ जिसे हम पत्रकार कहते हैं हत्या हो जाती है लेकिन प्रशासन अभी तक चूरी पान कर घर में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है बेगूसराय के लिए। हमारे हिंदू ना हिंदू सम्राट कहलाने वाले सांसद गिरिराज सिंह अगर हिंदू मुस्लिम में थोड़ा भी बहस हो जाए वो दिल्ली से डायरेक्ट बेगूसराय आते हैं और आकर बेगूसराय में दंगा फैलाने का काम करते हैं। लेकिन बेगूसराय में लगातार अपराध चरम सीमा पार कर रही है, लगातार नौजवानों की हत्या हो रही है लेकिन अभी तक एक बार भी वो अपने फेसबुक माध्यम से भी ट्विटर माध्यम से भी अपना बात नहीं रखे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हमारा संगठन प्रशासन के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब तक आम आवाम को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग सड़क पर हैं और आवाज़ बुलंद करने का काम करूंगा। जब तक सुभाष को न्याय नहीं मिलता है हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे, आंदोलन लगातार करेंगे। कल भी हम बेगूसराय के अंदर आंदोलन किया, आज नाकोठी के अंदर आंदोलन किया है, आने वाले दिनों में हम विधानसभा और राज्यसभा खेलने का काम करूंगा। जब तक साथी सुभाष को न्याय नहीं मिलता है, आम आवाम बेगूसराय के जनता को सुरक्षा की गारंटी नहीं करते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।